राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार शिक्षक बहाली सातवें चरण टेट स्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। सातवें चरण टेट स्टेट शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। सातवें चरण के सभी टेट स्टेट क्वालिफाइड होती ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। सबसे पहले आज की बड़ी खबर पर बात कर लेते हैं, जो कि छठे चरण से संबंधित है और सातवें चरण का जो भी इंतजार कर रहे हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो बात कर रहे हैं छठे चरण में कितने पदों पर बहाली हो सकी है। तो 32,714 पद में से केवल 2716 पदों पर ही बहाली हो सकी है और इसमें बैकलॉग के 30,000 करीब पद हो जाते हैं, दो कम कर दीजिएगा आप लोग, तो लगभग इतने 30,000 पद हो जाते हैं। तो इतने पद, ये पद सातवें चरण में जुड़ जाएंगे, तो काफ़ी बैकलॉग के पद हैं। और पहले भी स्पष्ट किए हैं कि लगभग 28 से 30,000 के बारे में पिछले दिन स्पष्ट कर चुके हैं, तो वही हुआ। तो काफ़ी पद रिक्त रह गए हैं। आप लोग ऐसे भी जानते हैं कि 16,000 सर्टिफिकेट की वैधता को बढ़ाई गई थी 2 साल के लिए, और बहुत सारे अभ्यर्थियों को अन्य जॉब भी मिल जाते हैं और डॉक्यूमेंट भी सही नहीं रहते हैं, और इसके अलावा कई कारण होते हैं, क्वालिफिकेशन ये सब में भी कमी होती है। तो कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, तो जिस कारण से आप लोग देख चुके हैं 2716 पदों पर ही बहाली हो सकी है। तो छठे चरण के अनुसार बात करें तो अब किसी भी विषय में बात करें तो लगभग नहीं के बराबर ही अभ्यर्थी होंगे स्टेट 2011 क्वालिफाइड, और सोशल साइंस विषय में कुछ हो सकते हैं। जैसे कि सोशल साइंस विषय में आप लोग जानते हैं कि इसमें रिक्तियों की संख्या कम छठे चरण में थी, बाद में ही पद की बातें हुई हैं जो कि आप लोग देखे भी हैं, और नवस्थापित एवं उत्क्रमित के लिए 2020 में पद सृजित और स्वीकृत हुए हैं, और स्टेट 2019 में 5054 पद हैं। तो लगभग 10,000 करीब पद अब हैं, लेकिन पहले छठे चरण के लिए बात करें तो 1,000 से करीब पद कम ही थे पद, आप लोग पता कर सकते हैं जितने पद हों। तो यही बातें हैं जिसके कारण सोशल साइंस विषय में अभ्यर्थी की संख्या हो सकती है छठे चरण में, और अन्य सभी विषय सोशल साइंस को छोड़कर अन्य सभी विषय में अभ्यर्थी एसटेट 2011 में नहीं के बराबर ही होंगे। इससे ही आप लोग को अंदाज़ा लग गया होगा 32,714 में से 2716 पदों पर ही बहाली हो सकी है। 2716 पद आप लोग याद रखें, 2716 पदों पर ही बहाली हो सकी है। तो यही खबरें हैं। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, आप लोग देख रहे होंगे तो अभ्यर्थी की मांग आप लोग को देखने को मिलेंगे। सातवें चरण का जो स्टेट 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो बड़े स्तर पर मांग करेंगे। 5 सितंबर संपूर्ण बहाली की मांग चरम पर देखने को फिर से मिल सकती है। आप लोग यह भी जानते हैं, जब मुख्यमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर 20 लाख नौकरी और रोजगार की बातें करते हैं, और आप लोग जानते हैं वित्त मंत्री जी की बात करें तो वित्त मंत्री जी भी यह स्पष्ट किए थे कि नौकरी पक्की। अब जो वित्त मंत्री जी हैं, पहले शिक्षा मंत्री जी थे और उस समय में वो भी मौजूद थे और नौकरी पक्की का आश्वासन दिया गया था। सचिव जी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जी भी उपस्थित थे, और BSEB अध्यक्ष आनंद किशोर जी भी उपस्थित थे और नौकरी पक्की का आश्वासन दिया गया था। तो आखिर 21 जून को कैसे कच्ची हो सकती है नौकरी पक्की से? तो 3 महीने तक अभ्यर्थी इंतजार किए और अचानक से कैसे हो सकती है? तो यही बातें हैं। और जब सरकार द्वारा 20 लाख नौकरी और रोजगार की बातें की जाती है, और उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी द्वारा भी तो 10 लाख नौकरी की बातें की गई थी, और बाद में मुख्यमंत्री जी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बातें किए हैं 20 लाख नौकरी रोजगार लक्ष्य का, 10 लाख नौकरी रोजगार को बढ़ाते हुए, तो यह बातें किए हैं। तो इस अनुसार से तो अब 80,000 जो क्वालिफाइड हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे, और कई कारण हैं, तो कई कारण हैं, इसीलिए ज़्यादा बातें इस पर नहीं करेंगे, जिसके कारण से क्वालिफाइड की संख्या बिल्कुल ही कम हो जाएगी और 50,000 बहुत तो मुश्किल से बहाली हो सकती है, और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है 50 से 60,000। आगे स्पष्ट करने वाले हैं कितने में सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। तो इस अनुसार से आप लोग खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की होगी, तो इसके लिए संपूर्ण बहाली की मांग एक बार फिर से चरम पर देखने को मिल सकता है 5 सितंबर को। अब आगे बात कर लेते हैं, आप लोग देख रहे होंगे
SST और CS नौकरी पक्की। तो अन्य सभी विषय जितने भी विषय हैं इसमें नौकरी बिल्कुल ही पक्की ही है, और सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय में भी नौकरी पक्की बिल्कुल ही संभव है। कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कंप्यूटर साइंस विषय में विद्यालयों की संख्या के अनुसार 8000 से अधिक पद बिल्कुल ही संभव है। बिल्कुल ही कम से कम बात करें तो 8000 पद आ सकते हैं, इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है। सहायक की बातें होने लगे, कंप्यूटर सहायक की बातें होने लगे तो और भी बढ़ सकती है, लेकिन कम से कम बात करें तो 8000 से अधिक पद, 8500 से भी अधिक पद देखने को मिल सकते हैं यदि विद्यालयों की संख्या के अनुसार बहाली हो। और कई बातें स्पष्ट कर दिए हैं पिछले वीडियो में कि कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में। अब सोशल साइंस विषय के बारे में बात करें तो इसमें भी 10479 पद हैं अभी के अनुसार, और इस रिटायर्ड भी हुए हैं तो इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है, तो सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी। तो आगे आप लोग देख रहे होंगे कि शिक्षा मंत्री जी भी तो बातें की हैं 3.5 लाख नौकरी रोजगार के बारे में। शिक्षा मंत्री जी भी 3.5 लाख नौकरी रोजगार के बारे में स्पष्ट किए हैं, और इसमें शिक्षा मंत्री जी यह भी स्पष्ट किए हैं कि मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी जो बोले हैं 10 लाख नौकरी 20 लाख नौकरी रोजगार के बारे में, तो यह भी स्पष्ट करते हुए शिक्षा मंत्री जी नजर आए। तो शिक्षा विभाग में भी 3.5 लाख शिक्षा मंत्री जी के अनुसार बहाली देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में 80000 जो क्वालिफाइड की संख्या है यह बड़ी संख्या नहीं कही जा सकती है, और सभी क्वालिफाइड की नौकरी बिल्कुल ही पक्की संभव है। तो इसके लिए एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है। मेरिट लिस्ट और नॉट इन मेरिट लिस्ट आपस में उलझने की जरूरत नहीं है, और सभी एकजुट होकर प्रयास करें जिससे रिक्तियों की संख्या बढ़े और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हों, खास करके कंप्यूटर साइंस उसे में, और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो। तो शिक्षा संबंधी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।